जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया। अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। नदीम सीखे और दुनिया को सिखला। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بري الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स चैनल के नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में खुश आमदीद कहते हैं। हमारा ये बहुत ही प्यारा प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स, तो क्या कहेंगे सबसे पहले, हो जाओ बच्चों रेडी, क्योंकि प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है जिसका नाम है इस्लाम फॉर किड्स। हां, इस्लाम फॉर किड्स प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी जल्दी आप आ जाइए मदनी चैनल की स्क्रीन पर और हमारा प्रोग्राम आप देखिए, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें कुरान पाक सिखाएंगे और जो इंशाअल्लाह रोज़ हैदर में भी पढ़ेंगे, तरतील में भी पढ़ेंगे। हमारे सबसे पहला मरहला होता है तवज्जो के साथ सुनना, फिर कौन सा होता है तवज्जो के साथ समझना, फिर तवज्जो के साथ पढ़ना, तवज्जो के साथ सुनाना, फिर हदर और तरतील के साथ बड़े बच्चों के साथ पढ़ना। जी बेर बेर बच्चों और किड्स चैनल के नाज़रीन, हमने आपको हमारे पहले सेगमेंट का फॉर्मूला बताया। आइए सबसे पहले हम करते हैं, सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत से अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। फरमाने आखिर नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बरोज़े क़यामत लोगों में से मेरे करीब तर वो होगा जिसने मुझ पर दुनिया में ज्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बेर बेर बच्चों और किड्स चैनल के नाज़रीन, आज के सवाल के बाद हम करते हैं आपसे, आज के दुरूद पाक की फजीलत के बाद हम करते हैं आपसे आज का सवाल। जी हाँ, आइए बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ और देखते हैं कि किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए आज का सवाल क्या है। जी तो आज का सवाल है, वो कौन सी सूरत को कुरान पाक का दिल कहा जाता है। सुभान अल्लाह, क्या ही प्यारा सवाल है। सवाल है, कौन सी सूरत को कुरान पाक का दिल कहा जाता है। खड़ी सर, मतलब वो कौन सी सूरत है जो हमारे किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन ने बतानी है कि उस सूरत को कुरान पाक का दिल कहा जाता है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बड़ा ही प्यारा सवाल है आज का सवाल है, और आपने हमें इसका जवाब देना है। सवाल के जवाब के साथ साथ आप जो है हमें जो आज का सबक भी सुना सकते हैं, या पिछले सबक सुना दें, या फिर कोई भी आप सूरत में सुना सकते हैं। आप हमें नारे भी लगा सकते हैं, कोई कलाम भी सुना सकते हैं, और चैलेंज भी दे सकते हैं हमारे नात खानों को। जैसे हमारे साथ आसान भाई हैं, फरान भाई हैं, हमारे साथ फिदा भाई हैं, हमारे साथ आसान भाई हैं, आज हमारे साथ दो दो आसान भाई हैं, माशाल्लाह। जी आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करने की तरफ, और हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हमद से। जी आसान भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जसन भाई, आप हमें हम सुनाइए। सल्लु अलल हबीब। तू रब है मेरा, मैं बंदा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू रब है मेरा, मैं बंदा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है खालिक मालिक रब्बुल उला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
लिख
जला जला हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मदीने की बाअदब हाजिर नसीब फरमाए। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मुर्शिद के साथ चल मदीने के साथ नसीब फरमाए। आमीन बिजा के नबी जुल अमीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदीने चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है मदरसा मदीना ऑनलाइन। नदीम सीखे और दुनिया को सिखला। जी बेर बेर बच्चों और किड्स मन से नाज़िन हमारा सेगमेंट मदरसा मदीना ऑनलाइन जिसमें हमारे सरकार साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल हाल। आप कैसे हैं मोबिन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल हाल। जी वेरी वेरी बच्चों और किड्स मिनट चैनल के नाज़रीन हमारा सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है जिसका नाम है मदरसा मदीना ऑनलाइन। आइए बढ़ते हैं कॉलेज साथ की जानिब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी उम्मीद है अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे, क्योंकि अब हमारा सिलसिला, हमारा जो मरहला है, हमारा जो सेगमेंट है मदरसा मदीना ऑनलाइन, तो तवज्जो के साथ इसे पढ़ना है, सुनना है, समझना है और सुनाना भी है। जी हाँ, तो जल्दी जल्दी रेडी हो जाइए और मदरसा मदीना ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। मदनी चैनल की स्क्रीन के सामने तशरीफ़ ले आइए और कुरान पाक कोशिश किया करें, कुरान पाक अपने पास रखें, कुरान पाक से मोहब्बत करें, कुरान पाक को जब भी उठाएँ उसको चूमा करें, आँखों से लगाया करें, तो इंशाल्लाह इसकी आपको बरकतें हासिल होंगी। ये भी अम्मा पारा है, कुरान पाक का एक हिस्सा है, एक पारा है, तो इसको भी आप कोशिश किया करें, चूमें, आँखों से लगाएं, सीने से लगाएं और थोड़ी देर इसको लगा के रखें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इसे मेरे लिए पढ़ना आसान कर दे, अल्लाह मुझे तू ऐसा पढ़ने वाला बना दे जिसा तू चाहता है, तेरे हबीब अलैहिस्सलाम चाहते, उन्होंने फरमाया कि ऐसा कुरान पाक पढ़ना चाहिए, तो जिस तरह अल्लाह तू चाहता है और तेरे हबीब चाहते हैं हमें ऐसा कुरान पाक पढ़ने वाला बना दे। जब आप ये दुआएं करेंगे प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह अल्लाह पाक का खुसूसी फजलो करम हम पर नाजिल होगा और इंशाल्लाह हम अच्छा कुरान पाक पढ़ने लग जाएंगे और हमें अच्छे अंदाज से कुरान पाक को पढ़ना है, सीखना है, समझना है, अमल करना है और यूं ही आगे बढ़ना है इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। तो आइए पहला हमारा मरहला होता है कुरान पाक को तवज्जो के साथ सुनना और फिर हम तवज्जो के साथ समझेंगे भी और पढ़ेंगे भी और फिर सुनाएंगे भी। यहाँ मौजूद बच्चे वो भी सुनाएंगे और मदनी चैनल के नाज़रीन आपने भी अच्छे अंदाज से इन आयात को सुनाना है। सूरह अबस, आज हम सूरह अबस अम्मा पारा की सूरह अबस आयत नंबर 16, 17 और 18, इन तीन आयतों को तवज्जो के साथ आप समाअत फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه سبحان माशाअल्लाह। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मिनी चैनल के नाज़रीन, हमारा मरहला था जिसका नाम था तवज्जो के साथ सुनना। जी हाँ, उम्मीद है आपने तवज्जो के साथ समाअत फरमाया होगा। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मिनी चैनल के नाज़रीन, हमारा अगला मरहला जिसका नाम है तवज्जो के साथ समझना। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब इन आयात को हमने तवज्जो के साथ समझना है और कुरान पाक जब भी पढ़ना है उससे पहले तावुज़ और तस्मिया भी पढ़ना है, तो मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किरामिन बररह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, काफ की अदायगी, जब कभी काफ आता है काफ को बारीक रखना होता है, ठीक है, और इसके नीचे ज़ेर है और इसको खींचना भी नहीं। बाज़ बच्चे जैसे की रामिन,
तो ऐसे पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। हरकात को बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए मारूफ पढ़ते हैं। और इस रा पर ज़बर आ गया और इसके साथ अलिफ भी लिखा हुआ है। अब इसमें दो कायदे हैं, छोटे छोटे कायदे हैं, कौन बताना पसंद करेंगे? जी, एक रा पर ज़बर आया और उसके साथ अलिफ आ गया, दो कायदे, अनस भाई बताएंगे। जी बताइए जी, रा का पता है? चलिए रा का कायदा बताएं। रा के अलिफ ना दबर है तो वो रा पुर होगा। रा पर जबर और पेश आ जाए तो पुर हो जाता है। और इसके साथ जब कभी, जी हमारे उजैर शाह साहब माइक लीजिएगा। अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा, माशाल्लाह। देखें कितना इजी कायदा है कि जब अलिफ से पहले जबर आ जाए तो अलिफ मद्दा हो जाता है, और या साकिन से पहले जेर आ जाए या मद्दा होता है, और वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो वाव मद्दा होता है। उर्फे मद्दा कितने हैं? कौन कौन से? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। माशाल्लाह। तो इस अलिफ मद्दा को एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे, रा पर जबर आने की वजह से पुर पढ़ेंगे। और प्यारे बच्चों यहाँ पर भी एक कायदा, जी इस कायदे का नाम ईजी भी है और मुश्किल भी है। जुनेद शाह साहब जी माइक लीजिएगा। इकलाब का कायदा, इकलाब का कायदा, माशाल्लाह। तक ये मुश्किल कायदा है मगर आपने अच्छे तरीके से बता दिया। अब इसकी थोड़ी तफसील भी बताएं कि इकलाब कब होता है, याद है? जी फिदाउर रहमान भाई। नून साकिनिया तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए तो नून साकिनिया तनवीन को एक मीम देकर उसे इकफा से बदल देंगे, यानी गुन्ना करेंगे। नून साकिन तनवीन के बाद जब कभी हर्फ बा आ जाता है तो नून साकिन तनवीन को मीम से बदल कर इकफा करके पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों आपके, आप देख रहे हैं कि इस बड़ी मीम के ऊपर एक छोटी सी मीम नज़र आ रही है। देखिए क्लोज करके ज़रा, हमारा कैमरामैन थोड़ा इसको क्लोज करके दिखा दें कि यहाँ ये बड़ी मीम के बाद ऊपर छोटी मीम नज़र आ रही है आपको? जी ये छोटी मीम क्या है? ये इकलाब की वजह से आती है। ये छोटी मीम कब आती है? इकलाब। जी हाँ, इकलाब की वजह से आती है कि जब कभी मीम या नून साकिन हो या तनवीन हो और उसके बाद हर बार आ हो तो ये छोटी मीम आती है, इसको इकलाब कहते हैं। इकलाब की माना है बदलना। माशाल्लाह आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाल्लाह। और हरकात को प्यारे बच्चों बगैर खींचे अदा करेंगे। और यहाँ दो दो रा हैं और दोनों पर जबर है। यहाँ वही कायदा, जैसे रा पर जबर था तो रा को पुर पढ़ा, इस दोनों रा को भी हमने मोटा करके पढ़ना है, पुर पढ़ना है। और प्यारे बच्चों यहाँ पर एक कायदा, गोल ता को हा से बदलना, कायदे का नाम। जी फिदाउर रहमान भाई बताएंगे। वक्फ बिल इब्दाल माल्हा, माशाल्लाह आपने बिल्कुल जवाब दुरुस्त दे दिया है कि ये वक्फ बिल इब्दाल माल्हा, यानी गोल ता को हा से बदल देना वक्फ बिल इब्दाल माल्हा कहलाता है। माशाल्लाह आपने बिल्कुल जवाब दुरुस्त दिया है। एक मरतबा फिर पढ़ते हैं। किरामिम बरारा, किरामिम बरारा, माशाल्लाह। قتل الانسان, قتل الانسان, قاف حرف مستعلیہ میں سے موٹے حروف میں سے موٹا کر کے ادا کریں گے, تا کو باریک رکھ دیں گے. اور پیارے بچوں یہاں پر لام, لام سے جب ملائیں گے لام کو ہلائیں گے نہیں, بعض بچے ہلا دیتے ہیں. کیسے؟ قتل ال, پڑھتے ہیں قتل الانسان, تو یہ کیا ہوا؟ غلط. لام کو حرف قلقلہ جو ہوتے ہیں نا پانچ, یہ پانچ حروف کے علاوہ کوئی حرف نہیں ہلنا چاہیے. قتل الانسان, قتل الانسان, حمزہ کو خوب واضح کرنا ہے اور نون ساکن اس کے بعد. جی ہاں کوئی قاعدہ, یہ قاعدے میں بار بار بچوں مدنی چل کے ناظرین اور پیارے بچوں اس لیے پوچھتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ قاعدے یاد ہو جائیں, اور جو مدنی چینل پر سن رہے ہیں ان کو بھی یہ قاعدے اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں. جی غفران بھائی بتائیں گے. اخفا, اخفا, یہ اخفا کیوں ہوا اور اخفا کی کیا معنی ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے سین آ گیا, اسی لیے اخفا ہو گیا. اچھا اخفا کی معنی کیا ہے؟ لبائی, غنہ, غنہ کر کر پڑھنا. اخفا کی معنی یہ ہے. عزیر شاہ صاحب بتائیں گے. جی مائک دیجیے گا. چھپانا. ماشاءاللہ مبین بھائی نے جواب دے دیا کہ اخفا کی معنی ہے چھپانا. عزیر شاہ صاحب رہ گئے, مبین بھائی نے اس میں سبقت لے لی. جی ماشاءاللہ, مبین بھائی بھی چاہتے ہیں کہ میں بھی کوئی نہ کوئی قاعدے بتاؤں. کبھی آپ چاہیں تو آپ بھی ہاتھ کھڑا کر دیا کہ نا ہم آپ سے پوچھ لیں گے. تو مبین بھائی نے بتایا کہ اخفا کی معنی کیا ہے؟ چھپانا. اور مبین بھائی کا جواب بالکل درست ہے, ماشاءاللہ.
तो प्यारे बच्चों यहाँ इख्फा का कायदा होगा, नून साकिन में गुन्ना करेंगे, इख्फा की माना है तो छुपाना, और सीन को हम बारीक रखेंगे, और हुरफ़े मद्दा एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे, नून की हरकत को खींचना नहीं है। माशाल्लाह, मा हुरफ़े मद्दा, और हुरफ़े मद्दा के बाद हमजा आ गया दूसरे कलमे के शुरू में, एक कायदा बन गया। ये भी कायदे, जी हाँ, ये बार बार कायदे बनते हैं। अगर ये कायदों के साथ हमें कुरान पाक याद हो जाएगा तो हम अच्छे अंदाज से पढ़ने वाले बन जाएंगे। ये हमारी बी टीम के हमजा हसन भाई, जी हसन भाई आप बताइए। मद्दे मुतसिल। मद्दे मुतसिल नहीं है, जवाब गलत हो गया है। और इधर से हसन भाई, टीम ए से हसन भाई। मद्दे मुनफसिल। मद्दे मुनफसिल, जी हाँ आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा ये मद्दे मुनफसिल क्यों हुआ ये बताएं जरा। हुर्फे मद्दा के बाद हमजा अगर दूसरे कलमे में हो तो मद्दे मुनफसिल। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, जब कभी हुर्फे मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में, देखे मीम अलिफ ज़बर मा ये हर्फे मद्दा है, और आप देखिए इसके बाद अकफरहू ये अलग कलमा है, तो जब इस कलमे के शुरू में हमजा आया उर्फ़े मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में आ गया तो ये मद्दे मुनफसिल हो गया। इसको दो ढाई अलिफ यानी चार या पांच हरकात खींच कर अदा करेंगे। माशाल्लाह हमजा को खूब वाजे करेंगे, काफ को बारीक रखना है और हिलाना भी नहीं है। और काफ में जब साकिन होता है तो एक सिफत अदा होती है, जी उसका भी नाम। माशाल्लाह उजैर शाह साहब जवाब देना चाह रहे हैं, जी शदीदा महमूसा। शदीदा महमूसा हरफे काफ और ता दो हरूफ, और वैसे तो ये सिफत हर हालत में होती है, मुतहर्रिक में भी होती है, मगर जब ये सुकून की हालत में होते हैं, साकिन होते हैं, तो ये सिफत खूब वाज़े होती है। जी तो क्या करते हैं, अकफर। माशाल्लाह फा की अदायगी अच्छे तरीके से करेंगे, रा को पुर रखेंगे क्योंकि रा पर जबर आ गया, और यहाँ हा पर उल्टा पेश है, वफ की सूरत में हा हा ही रहेगा, जी हा हा ही रहेगा। माशाल्लाह मिन अय्यी, मिन अय्यी, मिन को नून साकिन के बाद एक कायदा, जी यहां पर भी एक कायदा है, बहुत ही इजी कायदा है, अक्सर दोहराते रहते हैं, मिन अय्यी, जी नून साकिन के कायदों में से एक कायदा, कौन बताना चाह रहा है, अनस भाई बताएंगे, जी अनस भाई, जी इजहार। इजहार हलकी, इजहार हलकी होगा क्योंकि नून साकिन के बाद हुरफ हमजा दूसरे कलमे में हमजा आ गया, हुरफ हलकी में से, यह हुरफ हलकी से हमजा है, तो जब कभी नून साकिन हो या तनवीन हो प्यारे बच्चों, तो उसमें से हमजा जब दूसरे कल जब आता है नून साकिन के बाद और या तनवीन के बाद हमजा आता है तो वहाँ इजहार हलकी का कायदा होता है, यानी क्या होता है, नून साकिन को खूब जाहिर करके पढ़ते हैं, गुन्ना नहीं करेंगे। माशाल्लाह हमजा को खूब वाजे करेंगे। और अय्यी इसमें भी एक कायदा बनता है, बाज बच्चे जो है या बड़े पढ़ते हैं गलत, कैसे क्या पढ़ते हैं, हसन भाई बताएंगे कैसे पढ़ते हैं, अय्यी अय्यी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या अगर पढ़ते हैं बाप प्यारे बच्चे जोर से, अय्यी अय्यी, ये गलत है, क्या है ये, मिन अजी, अजी कोई लफ्ज नहीं होता, ठीक है, ये तो तफशी शीन जैसी तफशी हो गई, और ये तो शीन में होती है, या में होती नहीं, या शीन या और जीम का मखरज, जीम शीम या का मखरज एक ही होता है, मगर मखरज एक होना अलग होता है और उसकी अदायगी होना, उसमें सिफात अलग अलग होती हैं, इसलिए अय्यी क्या पढ़ेंगे, अय्यी अय्यी अय्यी, मिन अय्यी, मिन शैइन खलक़, शैइन खलक़, जी हाँ प्यारे बच्चों, शै उर्फ़े लीन या साकिन से पहले जबर आ जाए या लीन होता है, नरमी से अदा करेंगे। और प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए फिर एक कायदा के हमजा के नीचे दो जेर की तनवीन है और उसके बाद एक हर्फ मौजूद है, कि हमजा भाई इधर से याद नहीं आ रहा, जुनेद भाई को भी याद नहीं आ रहा, कोशिश कर रहे हैं याद करने की, सोच रहे हैं जहन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हो जाता है बाज मरतबा याद नहीं आता। उजैर शाह साहब को याद आ चुका है, जी उजैर शाह साहब बताएंगे, ये कायदा पहले भी आपने बताया था ना, मैंने बताया जी, अच्छा आपने, इख्फा होगा, इजहार, इजहार, अच्छा आपने पहले कहा इख्फा होगा और फिर कहा इजहार होगा, अच्छा ये बताए इजहार क्यों होगा,
नून सकीना तनवीन के बाद हुर्फ हल्की में से कोई हुर्फ आ जाए तो इजहार होगा। माशाल्लाह, बिल्कुल आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है कि जब कभी नून साकिन या तनवीन, यहाँ पर तनवीन है, दो जेर की तनवीन है हमजा के नीचे, और उसके बाद खा हुर्फ हल्की में से आ गया, इसलिए यहाँ पर इजहार हल्की होगा, गुन्ना नहीं करेंगे। माशाल्लाह, खा को पुर पढ़ेंगे, खा हुर्फ मुस्तालिया में से, खा हुर्फ मुस्तालिया में से, जी हाँ, काफ भी हुर्फ मुस्तालिया में से, खा भी उर्फ मुस्तालिया में से, काफ भी। और प्यारे बच्चों, कोशिश करना है कि खा और काफ तो मोटे रहे, दरमियान में आ गया लाम। अक्सर देखा गया है कि जब मुस्तालिया हर्फ आगे और पीछे आ जाए और दरमियान में बारीक हर्फ आता है तो बाज बच्चे बड़े सबको मोटा पढ़ देते हैं, ये गलती होती है। खौल कौह, ये गलती, खौल कौह, खौल कौह, खौल कौह, खौल कौह। माशाल्लाह, आखिर में हा है, हा पर उल्टा पेश है और इसको वफ में साकिन कर देंगे। मिन अय्यि शैइन खलक़ह, मिन अय्यि शैइन खलक़ह। माशाल्लाह माशाल्लाह, उम्मीद है आपने अच्छे अंदाज से समझा होगा। माशाल्लाह प्यारे बच्चों और किड्स, मनी चैनल के नाज़रीन, हमारा इस सेगमेंट का मरहला जिसका नाम है तवज्जो के साथ समझना। इसके साथ इख्तिताम होता है और हमारा अगला मरहला शुरू होगा जिसका नाम होगा तवज्जो के साथ पढ़ना। जी हाँ, आइए अपने बढ़ते अगले मरहले की जानिब, लेकिन उससे पहले अपने प्रोग्राम में कुछ कॉल सर्विस करते हैं। जी मुबीन भाई, आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। आपके सवाल का जवाब है सूरतुल यासीन। माशाल्लाह, आपने सवाल का जवाब दिया और जवाब दिया सूरह यासीन को, जो है कुरान पाक का दिल कहा जाता है, और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद जमान है, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम इस्लाम कॉल के बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको सूरह नाच सुनाऊंगा। قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق. جی ماشاءاللہ، انہوں نے اچھے انداز سے مبین بھائی سنانے کی کوشش کی اور سنائی بھی، مگر تھوڑا اسپیڈ اسپیڈ جی پیارے بچے کوشش کریں اسپیڈ کم رکھیں، काफ की अदायगी और अच्छे अंदाज से पुर करके अदा करें, हमजा आइन का ख्याल रखें, और जहाँ जहाँ गुन्ना आ रहा है ना, गुन्ने को थोड़ा सा पकड़ के एक अलिफ मजीद अच्छे अंदाज से एक अलिफ का गुन्ना करें। और अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, यहाँ आपने और ज़्यादा जल्दी दिखा दी, तो आप सीन की अदायगी अच्छे अंदाज से, उसके बाद सौत, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, तो इंशाल्लाह कुरान पाक और मजीद आपका बेहतर हो जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम वसीदा पारिया है, मैं कराची से बोल रही हूँ। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। आपके सवाल का जवाब है सुनिए सही, हमारा मकसद मकसद क्या है, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश। आपने कॉल किया, उसकी बरकत अदा फरमाए। आमीन। आपने सवाल का जवाब भी बताया, जवाब क्या बताया, सूरह यासीन। जी और आपका जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम सैयद आयुष तारिया है, मैं डेरागत खान से बात कर रही हूँ। मुबीन भाई, आपके सवाल का जवाब है कुरान पाक का दिल सूरह यासीन को कहा जाता है। माशाल्लाह, आपने सवाल का जवाब दिया और जवाब में बताया सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल कहा जाता है, और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अहमद रजा है, मैं कोरंगी से बात कर रहा हूँ। मुबीन भाई, आज का ऐसा आज मैं आपको सूरह कौसर की तिलावत सुनाऊंगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर व
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. और आपके सवाल का जवाब भी दूंगा. कुरान पाक का दिल सूरह यासीन को कहा जाता है. माशाल्लाह, आपने सवाल का जवाब दिया और जवाब बताया सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल कहा जाता है और आपका जवाब दुरुस्त है. माशाल्लाह. और कैसे आप इन्होंने जो है माशाल्लाह सूरह सुनाई, तो आप इनके बारे में क्या कहेंगे? अलबन अहमद रजा भाई थे ना. अहमद रजा भाई, आप कोशिश करें कि आपने थोड़ी जल्दबाजी की जिसकी वजह से कोई गलतियाँ हो गई. क्या करना है, आप आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर कर पढ़ें. कुरान पाक ठहर ठहर कर पढ़ने का हुक्म है. इन्ना अतैनाकल कौसर, हमजा आइन क्लियर रखना है, तो मोटा रखना है, नून पर खड़ा जबर है खींच कर अदा करना है, काफ को बारीक रखना है. इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, सौद को पुर रखना है, रा को पुर रखना है. और इन्ना शानिअका हुवल अबतर, माशाल्लाह कोशिश की, बाद में कलकला हुआ मगर और अच्छे अंदाज से रा को पूरा अदा करें, इंशाल्लाह कुरान पाक आपका बेहतर हो जाएगा. आप हमारे साथ जुड़े रहें, रोजाना कोशिश करें, जब जब ये प्रोग्राम आता है इसको देखें और फिर इसके बाद थोड़ी प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कुरान पाक आपका बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह. कर सर, जब इन्होंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शायद उसमें भी जो है थोड़ी गलती हो गई थी जी, कुछ सुनने में मुझे तेजी भी थी और कुछ आवाज में जो है मुझे सही वो कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी राब को आपने मुशद्दद होने की वजह से पकड़ना है, हा की अदायगी राब पुर करना है, इन चीज़ों का भी खास ख्याल रखना है. माशाल्लाह जी. जी प्यारे प्यारे बच्चों और प्यारे सुनने के नाज़रीन, हमारे सवाल का आज का सवाल है, कौन सी सूरत को कुरान पाक का दिल कहा जाता है? आइए बढ़ते हैं हम कार्य साहब जाने और हमारे ये मरला है तवज्जो के साथ पढ़ना. जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब तवज्जो के साथ पढ़ना है. कुछ कॉल्स कुछ माशाल्लाह बच्चों ने सुना भी दिए हैं, मगर आप मज़ीद कोशिश करें इन सबक को, इस सबक को या पिछले असबाक को सुनाएं या कोई छोटी सूरत, कोशिश करेंगे सुनाएंगे और आगे बढ़ेंगे. मन जद्दा वह जद्दा, जो कोशिश करता है वही पाता है, वो कोशिश नहीं करेंगे तो वहीं की वहीं रह जाएंगे, तो कोशिश जारी रखनी है. ठीक है, तो आइए हम इन आयात को अच्छे अंदाज से पढ़ने की कोशिश करते हैं. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كرام بررة. كرام كرام بررة. كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره. قتل الإنسان ما أكفره. جي ما شاء الله مد آئے گی تو کھینچنا ہے. قتل الإنسان ما أكفره. قتل الإنسان ما أكفره. أنس بھائی باریک کاف کو ہم نے کیا کرنا ہے, باریک رکھنا ہے جی, موٹا نہیں ہونا چاہیے. قتل ال, اب شروع میں جو کاف ہے یہ موٹا اور اکفرا کا کاف باریک جی. قتل الإنسان ما أكفره. قتل الإنسان ما أكفره. من أي شيء خلقه. من أي شيء خلقه. من أي شيء خلقه. من أي شيء माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोगों ने कोशिश की, कुछ से गलतियां भी हो गई होंगी मगर कोशिश आपने भी और यहाँ मौजूद बच्चे उन्होंने भी, जी हाँ कोशिश जारी रखें क्योंकि कोशिश करना हमारा काम है और पाया तकमील तक पहुँचा देना अल्लाह तबारक वाल का काम है जी, तो अल्लाह पाक ज़रूर करम फरमाएगा और हम
अच्छा कुरान पाक पढ़ने वाले बन जाएंगे इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह। गाइस सब अब हमारा कौन सा मरला है? अब है तवज्जो के साथ सुनाना। जी हाँ, यहाँ मौजूद हाजिर भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे किड्स मनी चैनल के नाज़रीन सुनाएंगे। जी जी, कॉल प्ले कीजिए। मेरा नाम मोहम्मद बिन सदी कतारी है। मैं पाक पतन शिफ्ट से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है सूरह यासीन। लॉन्ग फॉर किड्स जिंदाबाद। माशाल्लाह, सूरह यासीन आपने सवाल का जवाब दिया और आपका जवाब दुरुस्त है। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी है। मैं शाहपुर जहां या प्यार कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। मेरे प्यारे प्यार बिन भाई, मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। आज के सवाल का जवाब दे के आऊ जुदा नहीं करें, मिला कर पढ़े। यासीन वल कुरआनिल हकीम, कॉफ को पुर रखना है। और प्यारे बच्चे, इन्नका लमिनल मुरसलीन में इन्नका, ये काफ आपने थोड़ा पुर कर दिया, मोटा नहीं करना, ठीक है। और अला सिरातिम, स्वाद मोटा रखना है और ता भी मोटा रखना है। जी माशाल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद तारी और मैं हूँ मोहम्मद तलहा तारी की नियोर से। प्यारे प्यारे कारी साहब, आज अहमद भाई आपको एक सांस में सूरतुल कौसर की तिलावत सुनाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إسلام فور كيدز زندباد ما شاء الله أحمد بھائی نے بہت اچھے طریقے سے और अहसन तरीके से एक सांस में कुरान पाक की छोटी सूरत सूरतुल कौसर सुनाई। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको मजीद बरकत अता फरमाए और बाअमल कारी कुरान आलमे दीन और मुफ्ती इस्लाम बनाए। आमीन। माशाल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मैं पाक पतन शरीफ से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद उबैद रजा तारी है। मुझे इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। इस्लाम फॉर किड्स जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरे प्यारे प्यारे मुबीन भाई, मैं आज आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा। कुरान पाक का दिल सूरह यासीन पर कहा जाता है। माशाअल्लाह। मैं आज आपको अपना मकसद सुनाऊंगा। जी, मेरा मन्नी मकसद ये है कि अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। सवाल का जवाब बताया और जवाब बताया सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल कहा जाता है और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। कल साथ जो है किड्स मनी चैनल के नाज़रीन ने तो सुना दिया। माशाअल्लाह, अब सुनाने की बारी है छोटे बच्चों। जी यहाँ मौजूद छोटे बच्चे अनस भाई, पहली आयत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किरामन बररा। दोबारा से कोशिश करें दोबारा। किरामन किरामिम बररा। किरामिम बररा। माशाल्लाह, बररा में गोल ता को हा से बदले छंदा से। जी दूसरी आयत सुनाएंगे हमारे उजैर शाह साहब।
माइक लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुतिलल इंसानु मा अकफरह। माशाल्लाह, इनकी आवाज मुबीन भाई बहुत प्यारी है, बारीक आवाज है, अच्छे अंदाज से कोशिश करते हैं माशाल्लाह। अल्लाह बड़ा बच्चे बचाए। आमीन 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 आमीन। अल्लाह ताला इनको कारी कुरान, हाफिज कुरान और आलम दीन बनाए और इस्लाम बनाए। आमीन। जी इधर से टीम बी से सैयद जुनैद शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन अय्यि शैइन खलक़ह। जी जुनैद भाई, अय्यि को अच्छे अंदाज से और शैइन में गुन्ना नहीं करेंगे, इजहार हल्की। मिन अय्यि शैइन खलक़ह। आपका थोड़ा अय्यि की आवाज हल्की सी आ रही है। मिन अय्यि शैइन खलक़ह। मिन अय्यि शैइन खलक़ह। ये माशाल्लाह माशाल्लाह। मन जद्दा बदला, जो कोशिश करता है वो पाता है। जी माशाल्लाह। अब जी हमारे हमसा भाई सुनाएंगे। किरामिन बररा। हाँ को और अच्छे अंदाज से अदा करें। किरामिन बररा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी कोशिश की। तो अब हम बढ़ते हैं तरतील के साथ और हदर के साथ। जी तो यहाँ मौजूद बच्चे, जो बड़े बच्चे हैं, वो मेरे साथ इंशाल्लाह पढ़ेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم دوبارہ بسم الله الرحمن الرحيم كرام بررة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من أي شيء خلقه من أي شيء خلقه من أي شيء خلقه ما شاء الله। अब हम पढ़ते हैं तरतील। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم को अच्छे अंदाज से फिर शही मिन अय्यि शैइन खलक़ह मिन अय्यि श
شَيْءٍ خَلَقَهَا شَيْءٍ حمزہ کو واضح بھی کریں ماشاءاللہ اچھی کوشش کی ماشاءاللہ جی پیارے پیارے بچے اور کڈز منی چلے کے ناظرین ہیں یہ پروگرام اسلام فور کڈز میں کچھ کال شامل کرتے ہیں جی میرا نام عبداللہ تاریہ میں گیانوں سے بات کر رہا ہوں مبین بھائی میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا آج کے سوال کا جواب ہے سورہ یاسین میرے پیارے پیارے کیسا میں آج آپ کو دو سبق سناؤں گا فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ کڈز مدنی چینل ہمارا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے اچھی کوشش کی اچھے انداز سے سنایا اللہ پاک آپ کو خوب برکتوں سے مال مال فرمائے آمین ماشاءاللہ آپ نے سوال کا جواب بھی دیا اور آپ نے جواب دیا سورہ یاسین کو قرآن پاک کے دل کے آ جاتا ہے اور آپ کا جواب درست ہے نیکسٹ کال میرا نام عبد الوہاب ہے میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں سنے آج کے سوال کا جواب ہے سورہ یاسین ماشاء اللہ آپ نے سوال کا جواب دیا اور جواب دیا سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے اور آپ کا جواب درست ہے جی نیکسٹ کال میرا نام محمد بن صدیق اتاری ہے میں پاک پتن شریف سے بات کر رہا ہوں آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا آپ کے سوال کا جواب ہے سورۃ یاسین زندہ باد ماشاء اللہ آپ کا سوال کا جواب درست ہے میرے سوال کا جواب آپ نے دیا اور آپ نے جواب دیا اور آپ کا جواب درست ہے ماشاء اللہ جی نیکسٹ کال میں پاک پتن شریف سے بات کر رہا ہوں میرا نام محمد عبید رضا تاری ہے مجھے اسلام فور کڈز بہت اچھا لگتا ہے میں آج آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ اسلام فور کڈز زندہ باد ماشاء اللہ جی نیکسٹ کال میرا نام طلحہ اتاری ہے آپ کے سوال کا جواب ہے قرآن پاک کا دل سورۃ یاسین ہے ماشاء اللہ آپ نے سوال کا جواب دیا جواب دیا سورۃ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے اور آپ کا جواب درست ہے ماشاء اللہ جی قاری صاحب کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے آپ نے سیگمنٹ مکمل کر جس کا نام تھا مدرسۃ المدینہ آن لائن ماشاء اللہ مبین بھائی کچھ ہمارے بچے چاہ رہے ہیں کہ ہم تھوڑا سا اگر سنا دیں تو اگر ہو جائے ایک دو بچوں سے وہ کہہ رہے ہیں ہم اچھے انداز سے سنانا چاہتے ہیں احسان بھائی آپ سنانا چاہیں گے نا تو ذرا آپ جواب الجواب میں سنا دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کرام بررة قتل الانسان ما اکفرہ قتل ماشاءاللہ ماحول بنا دیا الانسان ما اکفر
और शय इन में भी गुन्ना नहीं करेंगे। من أي شيء خلقه بسم الله नहीं। माशाल्लाह। ये आपने दुरुस्त करना है कि मिन और शय इन, मिन के बाद हमजा है तो इजारे हल्के गुन्ना नहीं होगा और शय इन में भी इजारे हल्के होंगे गुन्ना नहीं करेंगे जी। माशाल्लाह। गणेश शाह साहब भी चाहते हैं सुनाना, यहाँ तो सारे टाइम जो है हमारे पास, टाइम कम है तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे जरूर सुनेंगे इंशाल्लाह। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मिनिस्टर के नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे सेगमेंट मदरसा मदीना ऑनलाइन इत्मीनान पहुंचा। काइर साहब आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको मीठे मीठे मुर्शिद के साथ चल मदीने के साथ नसीब फरमाए। आमीन आमीन जाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है बच्चों की महफिल। नदीम सीखे और दुनिया को सिखला। जी मेरे मेरे बच्चों और किड्स मिनिस्टर के नाज़रीन, हमारा सेगमेंट बच्चों की महफिल नाज, इसमें हमारे साथ कुछ नाज़रीन मौजूद हैं जो अपना कलाम सुनाएंगे इंशाल्लाह। आइए सबसे पहले हम तैयारी पूछते हैं कि वो आज कौन से कलाम की तैयारी कर रहे हैं। जी सान भाई। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। सुभानअल्लाह। जी उफरान भाई। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। माशाल्लाह। जी फिदा हुसैन भाई। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। माशाल्लाह। जी हसन भाई। ए खत्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुमसा कोई नहीं। सुभानअल्लाह। एक बताओ फिर बता दें आप माइक में, दूसरे माइक बता दें। ए खत्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुमसा कोई नहीं। माशाल्लाह। जी आज सबसे पहले बढ़ते हैं हम और सुनते हैं हम कलाम उफरान भाई से। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा sure।
के मुस्तफा का साथ तो दौलत बेदारे इश्क मुस्तफा का साथ हो माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मुस्तक साथ चल मदीने की साथ नसीब फरमाए। आमीन बिजा के नबी जरमीन सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मुन्नी चैनल के नाज़रीन अपने प्रोग्राम में कुछ कॉल शामिल करते हैं। किसी वाला से सईद चंदावी दीन अर्ज कर रहा हूँ। मेरा नाच का भाइयों को चैलेंज है, ये शेर सुनाए जिसमें आपे नियम आता हो। जज़ाकअल्लाह खैरा। जी आपके लिए चैलेंज आया है, आप याद करिए। अच्छा तक हम नेक्स्ट कॉल लेते हैं। जी मेरा नाम है मोहम्मद अहमद अत्तारी और मैं हूँ मोहम्मद तलहा अत्तारी की न्योट से। मुबीन भाई हमारा तमाम नात खानों को चैलेंज है कि कोई ऐसा शेर सुनाए जिसमें लफ्ज आराइशें आता हो। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाल्लाह अहमद भाई तलहा भाई ने जो है चैलेंज दिया है कि ऐसा जो है कलाम सुनाए जिसमें आराइश आता हो। जी आपने जो हमें सुनाना है और इंशाल्लाह जो हम बच्चों से भी कलाम सुनेंगे। जी नेक्स्ट कॉल। मेरे अच्छे अच्छे मुबीन भाई ये मैं हूँ ज़ैनब मुनीरकर रांची से। फरहान भाई कैसे हैं आप? आप जब आते हैं तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ और मुझे आपकी सारी पोएम्स बहुत पसंद है और ये वाली तो बहुत पसंद है, आपको सुनाऊं। इतिहास में बरकत है, एक जंगल में दो बैल मिलजुल करके रहते थे, है दोस्ती पक्की अपनी ये दोनों कहते थे, सब काम साथ करते साथ घूमते थे। जंगल में इच्छे उसे खाने का प्लान बना रहा था पर कामयाब नहीं हो पाता था। जब शेर उन पे हमला करता तो दोनों उसका मुकाबला करते और उसे भगाते थे। एक दिन उसे शेर को आईडिया आया, लोमड़ी को उसने पास से बुलाया, कहा लोमड़ी चाओ 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 बैल के कान भरो और दूसरे बैल से उसकी लड़ाई करा दो। फरहान भाई बाकी पोया आप सुनाइए। जिंदाबाद माशाल्लाह। इस्लाम फॉर किड्स जिंदाबाद माशाल्लाह माशाअल्लाह। भैया इन्होंने पोएम सुनाए चैलेंज भी दिया सान भाई को। सान भाई माशाअल्लाह आपकी जो है जो आप पोएम्स रिकॉर्ड करवाते हैं वॉइस ओवर में वो जो है माशाल्लाह सब सुनते हुए माशाल्लाह। सान भाई गुफरान भाई जी गुफरान भाई गुफरान भाई आप में ये पोएम सुना दें सुना देंगे पूरी पोएम सुनाएंगे चलें सुनाइए। एक जंगल में दो बैल जंगल में दो बैल जंगल में दो बैल मिलजुल करके रहते थे, दोस्त फकीर अपने ये दोनों कहते थे, हर काम सांस करते एक साथ घूमते थे, जंगल में एक शेर इन दोनों को खाने का प्लान बना रहा था लेकिन कामयाब नहीं हो रहा था। शेर जब भी हमला करता तो दोनों मिलकर उसका मुकाबला करते और उसे भगा देते। एक दिन उस शेर को आईडिया आया, लोमड़ी को उसने पास बुलाया, कहा लोमड़ी जा 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 बैल के कान भरो और दूसरे बैल से उसकी लड़ाई करा दो। इत्तेहाद में बरकत है, इत्तेहाद में बरकत है। लोमड़ी उस बैल के पास गई, कहा बैल तुम्हें कुछ पता भी है? शेर जब भी तुम दोनों पर हमला करता है तो तुम्हारा तुम्हारा दोस्त तुम्हें लड़ने के लिए आगे क्यों कर देता है? पता नहीं मैंने कभी सोचा नहीं, मैं बताती हूँ वो इसलिए ऐसा करता है ताकि मैं मार जाऊँ और वो बच जाए। चले जय हमने काफी हद तक जय उन्होंने पोएम सुनाई माशाल्लाह और आगे जय शायद थोड़ी सी भूल गए लेकिन खैर जो आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी सुनाई। अल्लाह पाक आपको सी बरकत अता फरमाए आमीन। आइए बढ़ते हैं हम हसन भाई की जानिब जो हमें सुनाएंगे कलाम। जय हसन भाई चैलेंज आया था पहले वो किसने एक्सेप्ट किया था? जी चले आप ये याद करें हसन भाई सुनाए। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ऐसा कोई
हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए हुजूर ऐसा कोई जाए सलाम के लिए गाज़ी गुलाम हो जाए सलाम के लिए गाज़ी सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए नाज़ाद सफर है न कोई काम भले है फिर भी मुझे सरकार बुलाए जब क्या मैं आऊं मदीने मेरी औकात नहीं गए घर आप बुला ले तो बड़ी बात नहीं है मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले माइश के सलाम के लिए गाज़ी गुलाम हो जाए मैं सिर्फ देख लूँ एक बार सुबह सुबह तैबा को बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए बला आप जो सुन ले तो कुछ नहीं मुश्किल हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए हुजूर आप जो सिमट के कासना ये
के पास रहे चंदगाम हो जाए सिमट के पास रहे चंदगाम हो जाए पांच सौ ऐसे है जैसे दोगा आस हमको भी लगी है तेरे सुनवाए के हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं सिमट के पास रहे चंदगाम हो जाए मजा जो जब है फिरिश्ते ये कब्र में कह दे मजा तो जब ये कब्र में कह दे सभी हमद अत खैरुन नाम हो जाए हुजूर ऐसा कोई सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए माशाअल्लाह सुभानअल्लाह माशाअल्लाह प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मन चैनल के नाज़रीन आइए बढ़ते हैं फिदा भाई की जानिब इनसे घूमते हैं कलाम जी फिदा भाई कौन सा कलाम सुनेंगे उनका मंगता हूँ जो मंगता मंगता हूँ जो मंगता नहीं उनसे सुभानअल्लाह उनका मंगता हूँ जो मंगता करते हैं वो पर
रखते मुझे अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते मुझे मुझको मोहताज मुझको मोहताज मुझको मोहताज किसी का See.